हेलो स्टूडेंट्स, आ जाइए आप सभी। आज हम लोग फिर से आ गए हैं। मैथ का एक क्वेश्चन है जो कि पचनम्बरा में हर साल पूछा जाता है। चैप्टर 1A का है, 1.3 में आपको ये पहला क्वेश्चन मिल जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये आपको पता है कि √5 अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन हमको यहाँ पर सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए हम चलेंगे किस प्रकार से। यहाँ देखिए आप पहले यहाँ मान लीजिए, मानेंगे हम कुछ इसको तभी तो निकालेंगे। पहले मानेंगे, माना कि हम मान लेते हैं √5 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम मान लेंगे। और देखिए परिमेय संख्या को किस प्रकार से लिखा जाता है, पी वाई क्यू के रूप में। तो देखिए इस प्रकार से लिखिए √5 बराबर पी वाई क्यू, इस प्रकार से लिख लिया। और देखिए ये पी और क्यू एक पूर्णांक होता है, तो इस प्रकार से इसको आप लिख भी सकते हैं। यहाँ देकर जहाँ पी तथा क्यू पूर्णांक है, इतना आप लिख दीजिए पूर्णांक है। उसके बाद आगे चलिए, आगे आपको कुछ नहीं करना है। ये दोनों में क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। तो लिख दीजिए, या नहीं लिख सकते हैं डायरेक्ट हम कर देंगे। देखिए लिख देते हैं यहाँ पे दोनों ओर वर्ग करने पर, इस प्रकार से लिख दीजिए दोनों ओर वर्ग करने पर। देखिए इसमें भी वर्ग कीजिए √5 में भी और पी वाई क्यू में भी, तो करिएगा देखिए क्या हो जाएगा। √5 है, इसमें वर्ग कीजिएगा तो डायरेक्ट निकल के आ जाएगा 5। आपको पता है रूट में जो कोई भी संख्या रहेगा उसका वर्ग होगा तो निकल के आ जाएगा वही संख्या, 5 आ गया। बराबर में क्या लिखिए, ये जो पी है पी का हो जाएगा वर्ग, पी का वर्ग बटे क्यू का वर्ग, इस प्रकार से हो गया। आप देखिए क्या कीजिए, आप कुछ नहीं कीजिए, तिरछा गुना कर दीजिए। तिरछा गुना के जाकर देखिए यहाँ कुछ नहीं लगाए तो यहाँ एक लगा दीजिए, नीचे हम एक लगा दिए। आप देखिए गुना कीजिए, इधर से कीजिए, पहले पी को कीजिए पी का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर पी को एक से कीजिए पी का स्क्वायर, और 5 को क्यू से कीजिए तो यानी 5 क्यू स्क्वायर, इस प्रकार से हमारा निकल गया पी बराबर। आप देखिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए पी को हम पी स्क्वायर को हम 5 से भाग दे सकते हैं, उसी प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे अतः पी स्क्वायर चूँकि 5 से विभाज्य है, यानी भाग इसमें लगेगा 5 से विभाज्य है, इस प्रकार से लिख दीजिए। इसलिए फिर लिखिए, इसलिए देखिए जब पी स्क्वायर, जब पी स्क्वायर है ये 5 भाग लग रहा है पी स्क्वायर रहने पर भी, तो पी पर से स्क्वायर हट जाएगा तब कहन भाग लगेगा, लगबे करेगा एकदम। तो लिख दीजिए पी चूँकि 5 से विभाज्य होगा, इतना लिख दिए। इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप आराम से आगे आइए। आगे देखिए क्या कीजिएगा, ये जो है ना 5 पी को सिर्फ ऐसे उतार दीजिए, सेम टू सेम ऐसे पी, अब बराबर देख उतारिए पी बराबर, ये 5 जो है 5 को उतार लीजिए, ये जो पी है ना पी और 5 बराबर में हम उतार दिए। और इसमें देखिए आप कोनो जो अंक है ना 5, इसमें आप कोनो ABCD का अक्षर ले लीजिए, जैसे ABCD GHM कुछ भी था, हम यहाँ एम ले लेते हैं, एम हम यहाँ ले लिए। एम लेने के बाद क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं करेंगे, ये दोनों पे वर्ग करेंगे। देखिए वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5 गुने एम का स्क्वायर, इस प्रकार से हमारा हो जाएगा, हो गया। तो आप देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए पी स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ क्या है पी स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है 5 क्यू, तो यहाँ दे दीजिए 5 क्यू, पी स्क्वायर की जगह हम दिए हैं इसको उतार दिए हैं, पी स्क्वायर है तो इसके बराबर में देखिए क्या दिया हुआ है 5 क्यू स्क्वायर, यहाँ लिख दीजिए 5 क्यू स्क्वायर बराबर दीजिए। अब देखिए 5 का वर्ग कीजिएगा 25, एम का वर्ग कीजिएगा एम के स्क्वायर, हो गया। अब देखिए ये 5 कट जाएगा 25 है, यानी यहाँ कितना बचा 5, यहाँ क्यू बराबर क्या हो जाएगा की स्क्वायर बराबर 5 5 एम स्क्वायर, इतना हो गया हमारा। अब देखिए आगे क्या कीजिए, इतना हो गया, अब आगे चलेंगे। आगे देखिए क्या कीजिए, इतना करने के बाद देखिए ये क्या पता चल रहा है,
देखिए जैसे यहाँ पी बराबर क्या पी स्क्वायर बराबर निकल गया था 5 q² वैसे यहाँ पर निकल गया है क्यू स्क्वायर बराबर 5 m² तो देखिए जैसे इसके लिखे थे वैसे लिखेंगे। देखिए ये पी क्यू स्क्वायर जो है ना क्यू स्क्वायर 5 से भाग लगेगा मतलब लग रहा है लगभग करेगा चेक कर सकते हैं आप। और उसके बाद इस पर से स्क्वायर हटा देंगे क्यू पर से तो फिर भी तो जब स्क्वायर में भाग लग रहा है 5 तो वर्ग हटाएंगे फिर भी लगभग करेगा तो इसी प्रकार से लिख दीजिए अतः क्यू स्क्वायर चूँकि 5 से विभाज यानी भाग लग रहा है विभाज है इतना हो गया इसलिए क्यू पर हम स्क्वायर हटा देंगे फिर भी लगेगा क्यू है क्यू लिखिए क्यू पर हम स्क्वायर हटा देंगे तब भी भाग लगवे करेगा इसलिए क्यू चूँकि 5 से विभाज्य होगा इतना हो गया। इतना करने के बाद देखिए क्या कीजिए हम यहाँ पर क्या माने थे माना कि माने थे ये तो क्वेश्चन दिया है √5 एक अपरिमेय संख्या लेकिन हम मान लिए थे अपरिमेय संख्या था अतः हमारा मानना लिख देंगे यहाँ गलत है यहाँ लिख दीजिए अतः हमारा मानना गलत है इतना हो गया। तब हमारा मानना जब गलत हो गया यानी राइट निकल गया देखिए जब भाग भी पूरा दोनों में लगिए गया यानी कि √5 हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या तो लिख देंगे अतः इसलिए देखिए लिख रहे हैं इसलिए √5 अपरिमेय संख्या है यही हमको प्रूव करना था। देखिए प्रूव भी हो गया ये हमारा जो था देख लीजिए समझ में आ गया होगा आपको आप फिर से देख लीजिएगा। इतना करने के बाद देखिए आज हमारे एक स्टूडेंट थे क्या नाम है उसका संजू मंडल कमेंट किए थे कि भैया मेरा नाम थोड़ा लीजिएगा आप वीडियो में तो मैं मतलब उन्होंने पिछली वीडियो जो संस्कृत की थी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें से उनका 20 में से 15 सही हुआ था तो इसलिए मैं उसका आज नाम ले रहा हूँ। आप वो आपको व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक में मिल जाएगा संजू मंडल नाम है उनका तो आप उनसे जाइए उनको मैसेज कीजिए और इसी तरह से आप भी कमेंट कीजिए लाइक कीजिए ताकि आपका भी नाम वीडियो में लिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही मिलेंगे अगले एपिसोड में सिर्फ आप लाइक कमेंट शेयर कीजिए और इसी तरह से सपोर्ट कीजिए आगे आपको और भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th की दी जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही मिलेंगे अगले एपिसोड में आज के लिए बाय बाय।